अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। फाटा मामले पर वज़ीर आज़म और अब्दुल कादिर बलोच ने मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अब्दुल कादिर बलोच को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि फाटा का मामला रोक दिया है, रिवाज एक्ट पर भी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि फाटा का मामला शाइस्तगी से हल करना चाहते हैं, हमने कोई दबाव नहीं डाला। अब्दुल कादिर बलोच ने खुद मुलाकात है, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। उन्होंने कहा कि फाटा का मामला कौमी असेंबली के एजेंडे से निकालने पर हंगामा हुआ है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, अहम मुलाकात की गई है। इस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। या इंजमाम या उस हवाले से जिन नुकात की वजाहत की, मैं इस सिलसिले में ये जरा आपको भी और आपकी वसासत से कौम को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल बजा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जनाब जनरल कादिर बलोच साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने यही बात कही थी कि इंजमाम की बात उसको फ़िलहाल हम मुअख्खर करेंगे और 247 के होते हुए इंजमाम नहीं हो सकता जब तक उस हवाले से कोई फ़जा नहीं बनती और माहौल नहीं बनता, ये इंजमाम की बात नहीं होगी। इसी के अलावा उसके साथ और दो जुड़ी हुई बातें कि रिवाज एक्ट उसको भी फ़िलहाल उस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी और आने वाले 2018 का इलेक्शन में सुबह खैबर पश्तूनख्वा की असम्बली में फाटा से सीटों को मुख्तस करना, ये मामला भी इस वक्त नहीं उठाया जाएगा। अब ये तीन बातें तो तकरीबन ऐसी थीं कि जिस पर इख्तलाफ राय रहा और एक तवील अरसा इस मौजू पे हमारी बातचीत चलती रही और बिल आखिर जब उन्होंने इस किस्म की सोच हमारे सामने रखी तो ये हमारी नज़र में उस इख्त को समेटने का जरिया बन रहा था।